देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी यही है कि नीट एग्ज़ाम्स का क्या होगा। नीट एग्ज़ाम्स अभी होने वाली है कि नहीं होने वाली है? कई सारे बच्चे लोग इसके लिए काफ़ी सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉप पर ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक साल, दो साल, तीन साल। पर अभी जिस तरीके से इन्होंने ट्वेल्थ एग्ज़ाम्स को कैंसिल करा है, तो इससे बहुत ज़्यादा ये इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं सरकार के माइंड में यही है कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल करा जाए। और हो सकता है कि आपका ये वाला साल जो है वेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यार इतनी बड़ी जब स्टेप लेती है गवर्नमेंट की, ट्वेल्थ एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देती है, तो यार हो सकता है कि आपको नीट एग्जाम्स और जेई एग्जाम्स में भी ये चीज़ें देखने मिल सकती है। मैं ये आपको श्योरिटी से तो नहीं कह सकता कि ये मतलब होगा ही होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि ये तो अब सरकार के हाथ में है। पर ये जो ट्वीट है, इसके साथ साथ एक लिंक भी अटैच इन्होंने करी है, और इसमें इन्होंने लिखा है कि जो ट्वेल्थ एग्जाम्स है उसे कैंसिल करा जा रहा है, और इसके साथ साथ जो सेफ्टी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन्होंने लिखा है कि एट मोस्ट इंपॉर्टेंस पे इनके लिए सेफ्टी और हेल्थ है, और दैट वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दी एस्पेक्ट, मतलब कि उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हेल्थ और सेफ्टी अगर अभी देखा जाए, तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है, तो किसी भी तरीके से नीट एग्ज़ाम होने के तो अभी आशा नहीं लग रही है कि पूरा हमारे देश में 70% या फिर 80% जनता को अगर वैक्सीनेशन हो जाता है, उसके बाद ही इस तरीके के मेजर चेंजेस हमें देखने मिल सकते हैं। तो यार अभी मुझे भी नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है नीट एग्ज़ाम्स और बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो यार अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है, क्योंकि जो ट्वेल्थ एग्ज़ाम्स है वो तो एक बहुत बड़ी लेवल की एग्ज़ाम्स होती है, पर उसी के साथ साथ काफ़ी सारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होती है, तो उसके रिगार्डिंग सरकार क्या डिसीजन लेती है अभी हमें ये देखना होगा। और अगर सरकार ऐसा डिसीजन लेती है कि नीट एग्ज़ाम्स को कैंसिल या फिर पोस्टपोन करा जाए, तो कब तक पोस्टपोन होगी और क्या बच्चों का पूरा साल बेकार हो जाएगा या फिर पूरा साल वेस्ट होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि दो दो तीन तीन चार चार साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उन लोग का फिर क्या होगा। और ये सब जो बातें हैं, ये सब अभी बच्चों के माइंड में चल रही है। तो यार ये आपको अभी देखना होगा, अभी भी कोई भी उन्होंने इसके रिगार्डिंग कहीं भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है नीट एग्ज़ाम्स और जेईई एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो यार अभी भी ये जो कन्फ्यूजन बना हुआ है बच्चों के बीच में।